नॉनवेज लवर्स के लिए आज हम आ गए हैं ऐसी जगह जिसका नाम है पहलवान दा ढाबा। मीट कीमे वाला, कीमा कलेजी, स्पेशल खरोड़े, चिकन करी टंगरी, चिकन करी मिक्स, अंडा तरी, मीट की तरी, बटर चिकन और भी बहुत सारी वैरायटी है। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे नॉनवेज में और क्या क्या मिलता है। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। हमारे काम की शुरुआत हुई थी 1968 में। हमारे पिताजी रेसलर थे, उनकी दरअसल कबड्डी खेलते हुए ना टांग टूट गई थी, तो डॉक्टर ने सूप सजेशन किया। वो सूप पीकर उन्होंने अपनी कंडीशन बेहतर की। तो खुद बनाया करते थे? खुद बनाया करते थे। इन्होंने काम शुरू कर दिया पापा जी ने। क्या बात है, मतलब सूप बनाते बनाते आज उन्होंने एक ढाबा बना दिया जिससे वो स्वाद लोगों तक पहुंच सके। ढाबे को स्टार्ट हुए लगभग 55 साल हो चुके हैं। 55 साल हो। ये है कीमे वाला मीट। भाई देखो, आपको वीडियो पहली बार दिखा रहे हैं हम लोग कीमे वाला मीट। ये चाप का पीस आ गया आपके लिए। और कितनी क्वांटिटी बनाते हैं डेली, कितना बनता है टोटल यहाँ पे? जिलेबी मटन टोटल सामान निकल जाता है 50 किलो। 50 किलो डेली सामान निकल जाता है टोटल। भाई स्वाद कुछ तो अच्छा होगा कि 50 किलो सामान यहाँ से निकल जाता है। ये भाई कीमा कलेजी है जो की रेडी रखी हुई है। ये दिखाई, ये देखो, ये पीस देखो, और फ्रेग्रेंस काफी अच्छी आ रही है। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे चिकन भी है टोटल लेग पीस। भाई सारी लेग पीस ही होती है? हाँ जी। तो भाई जो भी चिकन लवर है ना और जिनको लेग पीस पसंद है वो यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ पे सारी लेग पीस ही होती है जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। खरोड़े काफी लोगों को पसंद है और इसके लिए उनको जाना पड़ता है पुरानी दिल्ली, लेकिन गुड़गांव में भी आपको स्पेशल खरोड़े मिलते हैं पहलवान दा ढाबा पे। ये देखो स्पेशल खरोड़े का पीस, और काफी गर्मा गर्म है, धुआं निकल रहा है इसके अंदर से, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से भी। टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। तो नॉनवेज लवर्स के लिए पूरा जन्नत है, मतलब जो चीज आपको खानी है ना वो चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। जिनको बोनलेस चिकन पसंद हो ना वो भी आ सकते हैं यहाँ पे बोनलेस चिकन के स्वाद लेने के लिए। ये देखो आप, हर चीज मिलती है, बस आप यहाँ पे डिमांड करो। चिकन में, मटन में हर चीज स्पेशल है इनके पास, और सब कुछ बना बनाया रहता है, गर्म होता रहता है। कितने बजे खाना स्टार्ट करते हैं लोग यहाँ मटन? 11 बजे ऑलमोस्ट, 11 बजे मटन खाना स्टार्ट कर देते हैं। और आप बनाना कितने बजे शुरू कर देते होंगे फिर? मैं तो सर सुबह 7 बजे उठता हूँ। सुबह 7 बजे उठ जाते हैं टोटल काम मैं करता हूँ, और रात में फिर मेरे ख्याल से 12-1 बज जाते होंगे सब। अच्छा, आपने कोई कारीगर नहीं रख रखा है? कोई कारीगर नहीं, कोई झाड़ू वाला नहीं, कोई बर्तन धोने वाला नहीं। क्या बात है, मतलब 50 किलो मटन बनाते हो, चिकन भी अच्छी खासी क्वांटिटी बनता ही होगा, उसके बाद खरोड़े ही बनते हैं, और सब सारा काम मैं करता हूं। सारा काम अकेले करते हो? तो ये बात तो सच है, रगों में ना भाई पहलवानों का खून है, तो इसलिए अकेले ही ना लगे रहते हो, पूरा सारा का सारा खाना तैयार करते हैं, और जो स्वाद है नॉन वेज का यहाँ पे वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो भैया एक बार रेट बता दीजिए स्पेशल कीमा कलेजी और चिकन वगैरह का। कीमा कलेजी 500 रुपए फुल प्लेट, चिकन फुल 600 रुपए 6 लेग पीस, मटन फुल प्लेट 500 रुपए 4 पीस, खरोड़ा 480 रुपए 4 पीस। और साथ में किचन भी देख सकते हो, नीट एंड क्लीन है, कोई हाइजीन की प्रॉब्लम नहीं है। स्विगी जोमेटो पे भी है? हाँ जी, स्विगी जोमेटो दोनों टाइप है। हमारी प्लेटिंग लगने जा रही है। ये नल्ली चाप हो गया भाई, देखो नल्ली का पीस है और एक चाप का पीस है। थोड़ा सा धनिया की गार्निशिंग की जा रही है इसके ऊपर, और आपको भी देख के अंदाजा लग गया होगा कि भाई स्वादिष्ट तो है ये। ये लग रही है कीमा कलेजी की प्लेट, कलेजी के पीस और कीमा, ये देख रहे हो आप। एक चाप का पीस है और एक नल्ली का पीस है, और मेरे हाथ जल रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा गर्म है। ये ग्रेवी भी काफी थिक है, कोई बहुत पतली ग्रेवी नहीं है। ये कलेजी का पीस है, और एक पीस नहीं है, 2-3 पीस है ये साथ में कीमा है। साथ में आपको यहाँ पे मिलती है हर की बनी तवे की रोटी, और साथ में आपको मिलता है यहाँ पे राइस। तो एक बाइट लेता हूँ मैं, आपको बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है यहाँ का। मटन को ना अगर अच्छे से नहीं पकाया जाता है तो मटन कच्चा रह जाता है, और उसको पकाने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं मिनिमम। चिकन तो है नहीं कि 15-20 मिनट तैयार हो गया, तो अच्छे से पकाया हुआ है ये, और पीस भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तो कीमा कलेजी की बाइट बनाते हैं। इनका कीमा कलेजी खा के ना आपको पुरानी दिल्ली की याद आ जाएगी। गुड़गांव में सबको ऑथेंटिक ना मटन नहीं मिलता है, 2 या 3 जगह ऐसी है जहाँ पे आपको मटन का अच्छा स्वाद मिलता है। नहीं तो किसी को ऑथेंटिक खाना हो मटन वो हमेशा भागते जामा मस्जिद की तरफ, लेकिन गुड़गांव में पहलवान दा ढाबा ये भी ऑथेंटिक आपको मटन दे रहा है स्वाद से भरपूर। मेरे जस्ट पीछे जो रोड है वहाँ पे हरीश बेकरी है, हरीश बेकरी के अपोजिट में 50 से 60 मीटर की डिस्टेंस पे पहलवान दा ढाबा दिख जाएगा। प्लस आपको यहाँ का फोन नंबर और गूगल मैप लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई होप आप लोग अच्छी लगी हो, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस। बाय बाय।